अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर अभी तक जितने भी हुए हैं हमने कुछ बेसिक्स बातें पढ़ी थी, उसके बाद एक मेजर पोर्शन था इंटरवल सॉरी इनइक्वालिटीज को सॉल्यूशन मालूम करने का। तो उसमें हमने पॉलीनोमियल भी देख ली थी, पॉलीनोमियल में लीनियर क्वाड्रेटिक हो गई, फिर रैशनल हमने देखी, फिर एब्सोल्यूट हमने देखी। तो ये सारी एब्सोल्यूट के बारे में काफी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, डिफरेंट क्वेश्चन से सॉल्व किए थे, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे। अच्छा, अब जो इनइक्वालिटीज हैं वो बहुत ही कॉमन नहीं है सच, इतनी एग्जाम्स में नहीं आती या इतने टीचर्स करवाते नहीं है उनको, लेकिन ये इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं। एटलीस्ट एग्जाम में ना आए तो आपको पता होना चाहिए, ये वही फंक्शन है जो काफी मशहूर फंक्शन है जो आप लोग देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इनको भी डील करना आना चाहिए अगर ये इनइक्वालिटीज के अंदर आ जाए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रेडिकल फंक्शन की, कि अगर कोई रूट ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए या क्यूब रूट आ जाए, कोई भी रूट आ जाए, तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले बेसिक बात तो समझ लो कि जब भी रेडिकल तो सिंपल आप सिंबल को कहते हो ना, कोई भी अंडर रूट आया हुआ है, अंडर रूट का मतलब वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल रेडिकल इनइक्वालिटी में एक बेसिक बात आप लोग याद रखना कि जब भी आपके पास कोई इवन आए ना, इवन का मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट। अच्छा, नॉर्मली स्क्वायर रूट पे आप स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है ना, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और रूट लेते हैं तो हम ऊपर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट तो हम क्यूब रूट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ रूट तो हम यहाँ पे फोर लिख देते हैं। तो जो भी इवन रूट होते हैं, मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इनके आंसर नेगेटिव नहीं हो सकते, ये जहन में रखो। जैसे हमने स्क्वायर रूट का सिंबल डिफाइन किया है ना, कि स्क्वायर रूट का सिंबल जो है ये आपको जस्ट पॉजिटिव आंसर देगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा के जो भी आपके पास एक दो बातें कॉमन होती हैं इनके अंदर जो भी इवन रूट होते हैं, एक तो आप नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते वरना फिर वो आयोटा में चला जाएगा, और दूसरी बात कि आप जो इसका आंसर आएगा ना वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर फोर्थ रूट में यहाँ पे 16 लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर 2 होगा, प्लस माइनस 2 नहीं हम लेकर रहे होते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इवन रूट होते हैं ना, इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो बिलफर्ज अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी आ जाए जिसमें आपको फॉर एग्जांपल बोला जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेस देन 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन। और अगर कहीं आ जाए कि इज ग्रेटर देन 0, तो दैट्स इट, या ग्रेटर देन माइनस 1, या ग्रेटर देन कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल माइनस 10 आ जाए, तो आपको पता है स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन माइनस 10 ही होगा। तो आप यहां पे कुछ भी एक्सपुट कर लो, आंसर जो है वो माइनस 10 ही होगा, पहली बात ये है। लेकिन साथ साथ आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है, एक तो आपने देखा ना कि इसका आंसर स्क्वायर रूट का पूरा अगर आप आंसर देखो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आप ऐसी वैल्यूज पुट करो, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप कुछ भी एक्सपुट कर दो, आंसर आपके पास ग्रेटर ही आएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है आपको कि स्क्वायर रूट है, अब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव भी नहीं आप पुट कर सकते, तो इन दो तीन बातों को ना साथ लेके हमें चलना पड़ेगा और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक बात तो मैं लिखवा दूं, फिर हम एग्जांपल से समझते हैं बाकी बातें है, कि अगर ये सिचुएशन है कि अब एन जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो ये कभी भी चीज मतलब ये हमेशा ग्रेटर होगी जीरो से, इसके अंदर कुछ भी आ जाए ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं अंदर, तो ये जो पूरा आंसर है क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो उस वक्त जब एन बिलोंग्स टू इवन नंबर, जब भी कोई इवन नंबर होगा रूट के ऊपर, मतलब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 2 तो हम नॉर्मली लिखते नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट में इस तरह 2 लिखा नहीं जाता, हम खाली इसका मतलब स्क्वायर रूट ही लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर 4 आ जाए यहाँ पे, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कोई भी इवन रूट हो जाए, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, एट रूट, तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और जीरो के बराबर भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब जीरो के भी बराबर हो सकता है या जीरो से ग्रेटर होगा, हाँ लेस देन जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बाकी क्या चक्कर है इसके अंदर वो इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। असल मैं बहुत एडवांस लेवल की आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के कोर्स का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, किसी भी कोर्स आउटलाइन में आपको ये इनइक्वालिटी नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करवा रहा हूं, तो बेसिक या थोड़े दरमियाने लेवल के क्वेश्चन जो है उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी आपको गिवन है 2x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसको आपने सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि भाई अगर आपने स्क्वायर रूट को हटाना है, अभी तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते आप, तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपको रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को किस तरह हटाओगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो जब आप इस तरफ स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएगा, और इस तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 4 आ जाएगा।
उसके बाद आप सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 2x माइनस x को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा 10, सॉल्व करो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2 को डिवाइड करो तो 5 आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आप ये नहीं लिख सकते कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको रूट का भी देखना है। एक तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन देखनी है कि इसका आंसर लेस देन या 2 के बराबर आ सकता है, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको देखनी है, मतलब वही आपने एक्सपोर्ट करना है जिसका आंसर 2 से ग्रेटर ना हो, 2 से कम का हो, इस पूरे रूट का आंसर, ठीक है। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन थी जिसको आपने सॉल्व किया, तो इस रिस्ट्रिक्शन ने आपको बताया कि भाई अगर आप 5 से कम कम या अगर 5 पुट करोगे ना तो आंसर आपका इस पूरे रूट का 2 से कम कम रहेगा। लेकिन इसके साथ दूसरी रिस्ट्रिक्शन भी है और उनको आपने दोनों को कंसिडर करके आपने फाइनल आंसर बताना है, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन, आपको पता है कि रूट के अंदर कुछ नेगेटिव नहीं आ सकता वरना मसला हो जाएगा। तो जितनी भी रेडिकल इनइक्वालिटीज है ना, अगर आपने उनको सॉल्व करना है तो ये 2-3 बातें आपको बस करनी होती है। तो अब आप क्या करो, साथ साथ आप ये जो रूट के अंदर है ना 2x-6 इसको भी क्या करो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है, दैट्स इट, कि जो अंदर लिखा हुआ है वो या तो ग्रेटर होगा 0 से या 0 के बराबर हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता रूट के अंदर। तो आप इसको सॉल्व करो, ये चीज आ जाएगी, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगी। अब आपने इसमें देखना है कॉमन रीजन क्या है, कॉमन इसलिए क्योंकि दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ये ना हो कि आप इस बात को सेटिस्फाई करवाते करवाते अंदर नेगेटिव ले आओ तो सेंस नहीं बनेगी ना फिर, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो ये तो लीनियर में कन्वर्ट होगी है, अब लीनियर में तो ऐसे ही आंसर आते हैं, स्क्वायरिंग करने का ये तो नुकसान है कि लीनियर में ऐसे ही आंसर आते हैं, लेकिन आपको पता है कि 2x-6 रेंडम नहीं है, यहां पे 2x-6 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर आया है, तो इंसान को तो पता है कि किस किस तरीके से आपने चल रहा है पूरा। तो कॉमन बात क्या है कि x 5 से कम कम होना चाहिए लेकिन x 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो कॉमन हम इसमें क्या निकालेंगे, हम कहेंगे भाई x जो है वो 3 और 5 के दरमियान हो, मतलब 3 से ग्रेटर हो और 5 से कम कम हो, अगर इस रेंज के अंदर होगा तो वो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर लेगा, पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 3 पुट करोगे तो अंदर पूरा 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 पुट कर लेते हैं इसमें, तो 4 पुट करोगे 8-6 होगा, 8-6 मतलब 2, तो रूट 2 जो है वो 1.4 समथिंग होता है, अगेन वो 2 से कम है। फिर आप 5 पुट करो ये हो जाएगा 10-6 4 का रूट क्या होता है 2, 2 इज इक्वल टू 2, अगेन ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो 3 और 5 के दरमियान आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे आपकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक कंसिडर की जाएगी। तो ये थोड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल थी, आप थोड़ी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सवाल है भाई स्क्वायर रूट x प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x-1। अब देखो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करने से ये भी बात है थोड़ी देर के लिए आपके मसले हल होंगे, जैसे वही बात है अगर आप जाली तरीके से डिग्री बना लो तो आपको टेम्पररी तौर पे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इसी तरह अगर आप चीटिंग करके पास हो जाओ टेम्पररी फायदा हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाके आप फंस जाओगे, तो शॉर्टकट अगर ढूंढोगे तो मसला होता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं कि रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लेंगे मसले हमारे हल हो जाएंगे, लेकिन मसला अपनी जगह पे मौजूद है वो हल नहीं हुआ। जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है जब आप सॉल्यूशन मालूम कर लोगे, सॉल्यूशन मालूम करने के बाद आप पुट तो ओरिजिनल में करोगे ना, असल सॉल्यूशन तो उसका है, तो अगर आप ऐसी एक्स वैल्यू पुट कर दो कि जिससे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो मसला तो अपनी जगह भी मौजूद है। तो आपने फिर हर एंगल से बात करनी है, सबसे पहले स्क्वायरिंग करके सॉल्यूशन निकालोगे, उसके बाद आपने दोनों रूट को अलग अलग देखना है कि यार इनको कौन सी एक्स वैल्यूज तंग कर रही है, उनको भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं, ये x प्लस 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2x-1 आ जाएगा, x को उधर ले जाते हैं, बस दोनों चीजों को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा, अच्छा ये हो जाएगा x, 7 हो जाके नेगेटिव होगा ये सिचुएशन। अब -8 को उधर ले आओ, तो सिंपल आंसर क्या है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 8। अब ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो इसको या इसको नेगेटिव कर दे, दोनों को हमने रूट के अंदर जो भी है पॉजिटिव ही रखना है, हम नेगेटिव नहीं कर सकते। तो अब जरा दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, सबसे पहले x प्लस 7 है तो x प्लस 7 जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करते ही हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसका एक आंसर ये आ रहा है। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, 2x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ये तीन बातें आ गई हैं, अब आपने कॉमन देखना है इसके अंदर कॉमन क्या है, उसके बाद फिर आप एक ओवरऑल सॉल्यूशन दोगे।
तो कॉमन मालूम करने के लिए बच्चों रियल नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लो, मसले आपके सारे हल हो जाएंगे। तो जरा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले -7 आएगा, उसके बाद 1/2 आएगा कहीं, उसके बाद फॉर एग्जांपल 8 आ रहा है। अब ये वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब इसमें 8 भी शामिल है। तो ये जो इससे पहले पहले जो सारा है वो सॉल्यूशन है, ये इसके मुताबिक है। अच्छा आप देखना कॉमन कहां पे सारे, इसके मुताबिक x जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू -7 होना चाहिए। ये -7 है, -7 इंक्लूड है, और -7 से ग्रेटर मतलब ये वाला पूरा रीजन। अभी तक अगर आप बात करो तो इन दोनों के दरमियान कॉमन ये वाला रीजन आया है अभी तक, लेकिन तीसरा भी आपने कंसीडर करना है। तीसरा क्या कह रहा है कि x जो है वो 1/2 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। ये 1/2 है, इससे ग्रेटर मतलब ये वाला रीजन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये वो रीजन है जिसमें तीनों कॉमन है, तीनों यहां से पास हो रहे हैं, और इसमें 1/2 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। मजीद हम देख लेंगे पुट करके भी कि ये दोनों नंबर शामिल है या नहीं। इतना हमें अभी तक पता है कि इसका सॉल्यूशन है 1/2 से लेके 8, ये हमें पता चल गया क्योंकि कॉमन रीजन ये है। अब आप जरा एंड के पॉइंट एहतियातन पुट करके देख लो कि क्या वेरीफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल 1/2 आप यहां पर पुट करते हो, ये हो जाएगा 1/2 + 7 होगा 1/2 + 7, ये क्या हो जाएगा 15/2, तो इसको आप लिख सकते हो 15/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे पुट करो 1/2 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या होता है 0। तो इतनी आपको बात समझ आ गई कि यहां पे जो भी आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ये पूरी चीज जो है ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब आप 8 पुट करके देखो, यहां जब मैं 8 पुट करूंगा 8 + 7 क्या होता है 15, और यहां पे जब मैं 8 पुट करूंगा 16 - 1 क्या होता है 15। 15 = 15, इसका मतलब 8 को भी आप शामिल कर सकते हो। बिल्कुल अगर यहां पे इक्वालिटी ना होती ना तो फिर 8 को आप शामिल नहीं कर सकते, फिर मसला हो जाता। तो दैट्स व्हाई जो एंड के पॉइंट्स होते हैं ना उनको आप पुट करके देख लो एहतियातन कि यार वो सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे। तो इसका मतलब 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है और यहां पे 8 जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दरमियान के नंबर भी एहतियातन पुट करके देख लो यार, कोई मिस्टेक तो नहीं आपने कर दी। फॉर एग्जाम्पल दरमियान का नंबर जो है 1 है, आप 1 पुट करके देख लो, जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा यहां पे √8 आएगा, यहां पे 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा। डेफिनेटली √8 जो है वो 1 से ग्रेटर ही होता है, कम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप 5 पुट करो ये 12 आएगा, यहां पे 9 आएगा, डेफिनेटली √12 इज ग्रेटर देन √4 होगा ना, ये नहीं √9 होगा, √9 3 होता है ना, तो √12 इज ग्रेटर देन 3 ऑब्वियसली, आपको पता है बात। कहने का मतलब जो आंसर है उसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना, आपको बात समझ आएगा। तो ये जो है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से आपने दरमियान का जो है ना ले दे के मामला रफा दफा करके जो दरमियान का सॉल्यूशन है ना उसको लिखना होगा। अब मैं आखिरी एग्जाम्पल देता हूं इसकी, और वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, उसके साथ हम कोई और क्यूब रूट ले देंगे ताकि उसको भी डील करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना उसमें, क्यूबिंग करोगे आप। तो एग्जाम्पल है 6 × √(2x − 1 − 25 = 5, ये इनइक्वालिटी है। अब सॉल्व किस तरीके से आप करोगे, सबसे पहला काम आपने करना है कि इस -25 को लेके जाओ ऐड करो 30 हो जाएगा, इस 6 को डिवाइड कर दो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ आप 6 से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं होगा, तो 30/6 5 होता है, ये आपके पास इनइक्वालिटी आई है। अब जैसे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपने स्क्वायरिंग की थी, क्यूब रूट को हटाने के लिए आप क्यूबिंग करोगे। जब यहां से क्यूब लोगे आप दोनों तरफ मतलब ये जो क्यूब रूट है इसकी पावर 1/3 है ना, जब आप क्यूबिंग करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 2x - 1 बच जाएगा, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 1 को उधर ले जाओ 126 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 63 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 63 पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो रही होगी। एक चीज का ख्याल रखना, जो क्यूब रूट होते हैं, फिफ्थ रूट होते हैं, मतलब जो ऑड रूट होते हैं, उसमें आपको ये मसला नहीं होता कि उसके अंदर कोई नेगेटिव ना आए, ये मसला नहीं है। उसके अंदर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे 8 का क्यूब रूट 2 होता है तो -8 का क्यूब रूट -2 होता है। तो जो ऑड रूट है उसमें हमें ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि अंदर नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। तो मुझे 2x - 1 को ग्रेटर देन 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है, और लेस देन 0 भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो 63 से कम कोई भी वैल्यू जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो बेहतर पुट कर लो 63 से कम, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ले लिया, 2 63 से कम होता है ना, जब यहां पे आप 2 पुट करोगे 2 × 2 = 4, 4 - 1 क्या होता है 3 होता है। 3 का क्यूब रूट ऑलमोस्ट क्या होगा,
मतलब देख लेते हैं, 3 का क्यूब रूट कंसीडर कर लो के फॉर एग्जांपल जैसे 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 होता है, तो 3 का क्यूब रूट डेफिनेटली 1 के करीब ऊपर नीचे ही होगा कहीं, तो कंसीडर कर लेते हैं 1 आंसर आ रहा है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 25 क्या होता है माइनस 19, और माइनस 19 इज डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब ये कि आप वैल्यूज पुट करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने करवा दी हैं रेडिकल इनइक्वालिटी की। अब हमारे पास मजीद दो आखिरी इनइक्वालिटीज रह गई हैं, वो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। इनको करवाने का एक मकसद ये भी है कि आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल को भी डील करना आना चाहिए कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल बाद में करते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को देखते हैं। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिकली एक दो रूल पता होने चाहिए, अगर वो रूल आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो ये है कि बेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, तो बेस का जरा खास ख्याल रखना है आपने। तो पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं उस पर गौर करो, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, अगर जो ए है, अब ए क्या है देखते हैं अभी, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और इसके बाद दो पॉइंट है, पहला ये कि अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है, और दूसरा ये कि x जो है वो लेस देन y है, तो दो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर a ग्रेटर देन 1 होगा और x ग्रेटर देन 1 होगा, देन a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y। ये बात मेक सेंस भी कर रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी बेस a लो जो 1 से ग्रेटर हो, फॉर एग्जांपल हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ मैं 3 लिख देता हूं। अब जो आपने इनकी पावर ली है, मतलब इसकी पावर आपने x ली है, इसकी पावर आपने y ली है, अगर x जो है वो ग्रेटर देन y है, कंसिडर कर लो x जो है वो यहां पे 2 है और y जो है वो यहां पे 1 है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली फिर 3 का स्क्वायर ग्रेटर होगा 3 की पावर 1 से। अगर x जो है वो ग्रेटर है y से, तो फिर 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर x डेफिनेटली ग्रेटर होगी 3 की पावर y से। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो ax की पावर ग्रेटर होगी a की पावर y से, ठीक है। और अगर पावर छोटी हो जाए, मतलब रिलेशन उल्टा हो जाए, अगर x इज लेस देन y हो जाए तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं बेसिस तो 1 से ग्रेटर ही है, अगर आपने देखो बेसिस 1 से ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे x जो है फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 4 और जो y है फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूं, तो डेफिनेटली अब 3 की पावर 4 जो है वो लेस होगा 3 की पावर 5 से। तो अगर x इज लेस देन y देन आप कह सकते हो a की पावर x इज लेस देन a की पावर y। और ये थोड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है, इतना कुछ कहने झगड़ा नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट है ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है कि इसको ड्रॉ करना भी हम देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके से होता है। ये जो वो फंक्शन है जो प्योरली हम जो फंक्शन का पोर्शन करेंगे ना उसमें इनकी ग्राफिंग हम देखेंगे कि किस टाइप का ग्राफ होता है, क्या सीन होता है, ऊपर नीचे क्या है, तो दैट्स व्हाई मैं इतनी डिटेल में इसको जा नहीं रहा। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल जो है वो ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी बेस कांस्टेंट है, पावर में आपके पास वेरिएबल वाली टर्म आ रही है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो बेस है ना उसके रीजन होते हैं, जो बेस होती है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, ये हमने कंसिडर किया होता है, पॉजिटिव होती है कोई भी, ठीक है। तो पॉजिटिव के अंदर दो कैटेगरी बनती है, या तो 1 से ग्रेटर या 1 से कम। 1 से कम का मतलब 0 और 1 के दरमियान, या 1 से ग्रेटर, 1 भी नहीं हो सकती क्योंकि अगर 1 होगी तो वो एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा, वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो एक तो केस होता है 1 से ग्रेटर और एक होता है 0 और 1 के दरमियान, 0 से कम भी नहीं हो सकती। तो अगर a 0 और 1 के दरमियान होगा, और अगेन वो दो केस अगर आप बनाना चाहो तो क्या बनेंगे कि अगर a 0 और 1 के दरमियान है और सेम x ग्रेटर देन y है, तो अब रिलेशन क्या होगा, a की पावर x इज लेस देन a की पावर y। बेशक यहां पे x ग्रेटर है y से, लेकिन रिलेशन क्या होगा, लेस होगा। उसकी वजह है क्योंकि बेस जो है ना वो 1 से कम है। इसको अगर आपने सेटिस्फाई करवाना है इस तरह देखो, 0.5 0.5, अगर यहां पे आपको बड़ा नंबर पुट करते हो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 5 पुट करता हूं, मैं यहां पे 4 पुट करता हूं, तो इसमें रिलेशन ये वाला नहीं होगा। आप निकाल के देख लो कैलकुलेटर से, इसकी जितनी आप पावर ज्यादा करोगे उतना आंसर छोटा हो जाएगा इसका। तो दैट्स व्हाई अगर इसकी पावर बड़ी है और इसकी छोटी है तो रिलेशन उल्टा होगा, ये लेस हो जाएगा। बेशक पावर बड़ी है लेकिन ये लेस रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो बेस है ना वो लेस देन 1 है। तो जब बेस लेस देन 1 होती है ना, तो जितनी ज्यादा पावर होती है उतनी चीज वो छोटी हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर 0 और a के दरमियान होगा और अगर x ग्रेटर देन y है, तो फिर ax इज लेस देन a की पावर y। ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए ये आपके लिए काफी है। तो लिखवाने का मकसद बस ये है कि याद दिहाने के लिए हो, बाकी रट्टे नहीं मारने, समझ के करना है आपने।
और दूसरा केस क्या होगा कि अगर x जो है वो लेस देन y है, तो वही बात कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, यहाँ पे 5 पुट करूंगा, तो जिसकी पावर बड़ी है वो चीज छोटी होगी, ये इसकी पावर छोटी है तो ये चीज बड़ी हो जाएगी, तो आप ग्रेटर का रिलेशन आ जाएगा, तो देन a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y। तो ये एक्सपोनेंशियल के अंदर दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखो, अब जब हम सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, अगर ये पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। अब ये जो पॉइंट्स आप लोगों ने देखे हैं, अब इनका फायदा आप लोगों को किस सिचुएशन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी आए जिसमें बेस फॉर एग्जांपल से, अच्छा एक तो सवाल वो होते हैं जिसकी बेस सेम है ऑलरेडी, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बेस सेम करनी पड़ती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेम करना और मुश्किल है, तो फिर हम लॉग यूज कर लेते हैं, तो डिफरेंट किस्म के सवाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये सिचुएशन लिखी हुई है कि ये लेस है 2 की पावर x प्लस y से, अब बेसिस दोनों की सेम है, ग्रेटर है, लेस का रिलेशन है, तो आप यहां पे जाओगे भाई लेस कब होता है, ये लेस उस वक्त होता है मतलब अगर बेस आपकी ग्रेटर देन 1 है और फिर भी आपके पास पहली चीज जो है वो लेस है दूसरी चीज के, तो ये कब हो सकता है, ये उस वक्त हो सकता है कि जब इसकी पावर जो है वो भी लेस हो दूसरी से, क्योंकि आप थोड़ा इसको एग्जाम्पल बनाकर सोचो ना कि आपके पास अगर बेस सेम हो और ये आपस में लेस का रिलेशन हो, तो लेस का रिलेशन कब होगा भाई, जब इसकी पावर कम होगी फॉर एग्जाम्पल और इसकी पावर ज्यादा होगी, तो अगर आपको पॉइंट याद होगा, अगर याद नहीं है या आपने रटा मारा है तो आप समझ जाओगे कि उस वक्त होगा जब x जो है वो लेस देन y होगा, तो ये x है और इसको, अच्छा इसमें एक y आता नहीं है, ये मत समझना कि इसके अंदर आपको y भी मिलेगा, वरना वो सॉल्व करना तो अजीब हो जाएगा ना, फिर वो आपके पास पूरी एक्सप्रेशन में x ही होगा, जनरल फॉर्म में एक्स वाई का मतलब ये है कि इसकी पावर को मैंने एक्स बोला हुआ है, दूसरी की पावर को वाई बोला हुआ है, लेकिन वाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ध्यान में रखना, तो ये एक्स है यहाँ पे, ये वाई है, तो क्या होगा एक्स इज लेस देन वाई, इस तरीके से आप लिखोगे, डेफिनेटली एग्जाम्पल इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसको इस तरह कर देते हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ग्रेटर का आ जाता, तो भाई अगर बेस ग्रेटर देन वन है और दरमियान में रिलेशन जो है वो ग्रेटर का है, इसका मतलब ये चीज बड़ी होगी और ये चीज छोटी होगी, ये कर देंगे। अच्छा इसके अलावा क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल बेस आपके पास हो 0.5, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.5 एक्स प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिचुएशन आ रही है। अब आप देखो कि यार बेस 1 से कम है, ठीक है, और रिलेशन आपस में ग्रेटर है, भाई आपने बात पढ़ी थी कि जब बेस लेस देन 1 होती है तो जितनी ज्यादा पावर है उतना वो आंसर छोटा होता है, तो अगर रिलेशन ग्रेटर का है इसका मतलब इसके ऊपर पावर कम होगी, इसके ऊपर पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पावर का मतलब वो चीज और छोटी हो गई है, कम पावर का मतलब वो चीज बड़ी है, तो दैट्स व्हाई अगर ग्रेटर का रिलेशन है इसका मतलब यहां पे वो चीज छोटी होगी, यहां पे बड़ी होगी वो, क्योंकि ये इसको छोटा कर रही है। तो अगर ये रिलेशन आप देखो यहां पे बेसिस 1 से कम है दोनों जगह और रिलेशन ग्रेटर का है, इसका मतलब ये चीज जो है ये छोटी है एज कंपेयर टू इसके, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस 2। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसके तरीके इस मेथड से आपने सॉल्व करना होगा। अब मैं जरा एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को मजीद बात क्लियर होती है। तो सबसे एग्जांपल पहले नंबर पे बहुत बेसिक सी बच्चों वाली एग्जांपल है कि अगर आपके पास आ जाए 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 32, ये आ जाए आपके पास कि 2 की पावर x जो है वो ग्रेटर देन 32 है, बताओ ऐसी x की कौन सी वैल्यूज है, तो बेसिस सेम कर लो आप सबसे पहले, बहुत ही इजी तरीका है यहां बेसिस सेम करने का, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब बेसिस 1 से ग्रेटर है, वैसे आप खुद भी सोचोगे तो बात समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप इन रूल्स को भी देखो, अगर बेसिस सेम है और दरमियान में ग्रेटर का रिलेशन है, इसका मतलब यहां पे जो चीज होगी वो ग्रेटर होगी, तो डेफिनेटली जो इसमें x है ना वो ग्रेटर होगा 5 के, दैट्स इसका सॉल्यूशन है। x 5 से ग्रेटर आप कुछ भी पुट करो, ये चीज जो है ये फॉलो हो रही होगी, आप x यहां 5 से ग्रेटर 6 पुट कर दो, 7, 10, 15 कुछ भी पुट कर दो, ये ग्रेटर होगा 32 से। अच्छा जी, उसके बाद एग्जांपल थोड़े एडवांस लेवल की करते हैं, 2 की पावर 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3x। अगेन अगर आप बेसिस देखो 1 से ग्रेटर है और दरमियान में रिलेशन ग्रेटर का है, इसका मतलब यहां पे जो चीज होगी वो ग्रेटर होगी, तो 2x प्लस 3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3x। दोनों चीजों को उधर ले जाओ, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे x बचेगा, यहां पे -3 होगा, -3 या 3 को लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट 3 को ही रहने दो, 2x उधर ले जाते हैं तो यहां पे x बचेगा, तो स्टेटमेंट क्या है, x इज लेस देन 3, दैट्स इट, ये आपका आंसर है, कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसके अंदर, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि x
पॉजिटिव भी हो, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ, एक बात नोट कर लेना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता या जीरो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता आपको बोले 2 की पावर x इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर इज लेस देन 0, बताओ ऐसी कौन सी x वैल्यू है। ऐसी x वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई ऐसी x वैल्यू नहीं है जिसके अंदर ये हिम्मत हो कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर जो है वो लेस देन 0 कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। और बिलफर्ज अगर ये चीज आते हैं ग्रेटर देन 0, तो भाई इसके सॉल्यूशन सब रियल नंबर है। आप पॉजिटिव पुट कर दो, नेगेटिव पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, कुछ भी पुट करो x की जगह पे, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर 0 के इक्वल भी नहीं आता कभी भी, हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। सिंपल एग्जांपल है, आप एक बेस कंसीडर करो 2 की आप कुछ भी पावर कर दो, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही आ रहा होगा, कभी 0 या कभी नेगेटिव नहीं आता। तो इसके सब सॉल्यूशन है। या फॉर एग्जांपल अगर आते -5, तो डेफिनेटली भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नेगेटिव से बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल करते हैं जिसमें बेसिस सेम करनी है आपको। 4 की पावर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2x। अब बेसिस 4 तो नहीं आप कर सकते क्योंकि 4 के स्क्वायर में कभी 8 नहीं आता, तो आप बेसिस 2 कर दो, 2 बेसिस ज्यादा सही रहेंगी। तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और ये जो पावर 2 आएगी ना यहां पे उसको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। और 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, ये जो 3 है जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा, 6x कर देगा। तो आपने क्या किया, आपने 4 और 8 को अलग एक बेस दी, 2 की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब बेसिस सेम है और बेसिकली a से ग्रेटर है। एक काम करते हैं लेस वाला कर लेते हैं, बहुत देर से हम ग्रेटर वाला कर रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करो, बेसिस 1 से ग्रेटर है और दरमियान में लेस का साइन है, इसका मतलब ये चीज जो है ये छोटी होगी और ये चीज बड़ी होगी। तो 2x प्लस 4 इज लेस देन 6x, 2x को उधर ले जाते हैं 4x हो जाएगा, 4 को डिवाइड कर देते हैं 1 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब आप x 1 से ग्रेटर कुछ भी पुट कर दो सेटिस्फाई हो रहा है। मैं यहां पे 1 पुट करूं, सॉरी 2 पुट करूं, 4 की पावर 4 जो है वो आई गेस 256 होती है, और यहां पे मैं अगर 2 पुट करूंगा तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 तो बहुत बड़ी हो जाएगी वो, मतलब 2 की पावर 12। तो डेफिनेटली 2 की पावर 12 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 डेफिनेटली कम होगी 2 की पावर 12 से। हाँ, 2 की पावर 8 इज लेस देन 2 की पावर 12, कहने का मतलब आप पुट करके देख लेना सब चीजें वेरीफाई हो रही होंगी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हो 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम क्या होगा, 16 को उधर ले जाओ। अच्छा, उसके बाद 16 को 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करो 2 की पावर 4। अब देखो बेसिस 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो और दरमियान में रिलेशन ग्रेटर का है, इसका मतलब यहां पे जो चीज है वो ग्रेटर होगी। तो डेफिनेटली x स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सॉल्व करो 4 को उधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिसमें है तो एक्सपोनेंशियल का, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वाड्रेटिक का बन गया सवाल या एब्सोल्यूट का बन गया और वो आपको पहले सॉल्व करने आता है। इस चीज को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके आप फैक्टर बनाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, नेक्स्ट टाइम x माइनस 4, यहां से 1 कॉमन लेना x माइनस 4, एक हो जाएगा x माइनस 4, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू 4 आएगी x की, एक वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो ये माइनस 1 है, ये 4 है, यहां पे आप माइनस 2 ले लो, यहां पे 0 ले लो, यहां पे 5 ले लो। तो माइनस 2 पुट करोगे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 0 पुट करोगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 5 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको ग्रेटर वाला रीजन चाहिए, तो ये और ये आपके आंसर है। इसको आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1, जिसमें माइनस 1 शामिल होगा क्योंकि इक्वालिटी है, यूनियन, अगेन 4 भी शामिल होगा 4 से लेके इंफिनिटी। तो ये वो सॉल्यूशन है, इसके दरमियान आप कुछ भी वैल्यू पुट करो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। फुल टेस्टिंग वैल्यू ले लेना, फॉर एग्जांपल इजी वैल्यू लेते हैं 4 आर है ना, इसके अंदर 4 पुट करते हैं, तो यहां पे 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर 16, यहां पे 4 पुट करोगे 12 आएगा, तो 16 माइनस 12 4, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 16 0, तो 0 के बराबर आ गया। और आप 4 से ग्रेटर कुछ पुट करोगे तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, पुट करके देख लेना। इसी तरह नेगेटिव 1 अगर पुट करोगे तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे
3 हो जाएगा, अगेन 2 की पावर 4 माइनस 16 अगेन 0 हो जाएगा, और माइनस 1 से कम कुछ पुट करोगे तो वही बात है कि आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा मैं एक एग्जांपल ऐसी करवा रहा हूँ जिसमें बेसिस सेम आप नहीं कर सकते, ये थोड़ी काइंड ऑफ इजी एग्जांपल थी, अब ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप बेसिस सेम नहीं कर सकते, तो एक काम करना है हमने इसमें लॉग यूज करना है ना, तो लॉग के बारे में भी आपको बताना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल के अंदर है वो लॉग के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं बार बार चार चार पॉइंट नहीं करवा रहा, अब आप लोग खुद इतने स्मार्ट हो आप लोग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल कि अगर इसको मैं चेंज कर सकता हूं कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है और एक्स ग्रेटर देन 1 वाई है तो डेफिनेटली लॉग अगर आप एक्स का लो वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू वाई का लॉग, अगर एक्स ग्रेटर है ना वाई के तो फिर एक्स का लॉग ग्रेटर होगा वाई के लॉग से, प्रोवाइडेड कि जो लॉग की बेस है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए तब ये रिलेशन फॉलो होगा, और अगर x लेस देन y है तो डेफिनेटली x का लॉग भी लेस होगा y के लॉग से, तो जब बेस 1 से ग्रेटर है ना तो ये बात मेक सेंस कर रही होती है भाई, अगर x ग्रेटर है y से तो इनका लॉग भी क्या होगा ग्रेटर होगा, लेकिन जब बेस 0 और 1 के दरमियान होती है ना तब ये चीज उल्टी हो जाती है, तो अगर x ग्रेटर देन y है तो जो लॉग होगा ना वो कम होगा, मतलब x का लॉग इज लेस देन y के लॉग से, हालांकि x ग्रेटर है y के लेकिन बेस असल में ऐसी है ना, तो दैट्स वाई x का लॉग क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू लॉग y, और आखिरी भी आप लिख सकते हो ऐसी कि अगर x लेस देन y है तो असूली तौर पे log x लेस देन log y होना चाहिए, लेकिन बेस अगेन वही 1 से छोटी है तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा log a x इज ग्रेटर देन log a y, तो इस तरह भी आप ये पॉइंट कर सकते हो। तो आप जरा एग्जांपल देख लेते हैं जो एक्सपोनेंशियली करवानी है, आखिरी 2 की पावर 5x इज ग्रेटर देन 5 की पावर 8 माइनस 5x। अच्छा जी, तो आप क्या करोगे, देखो बेसिस सेम करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, 2 और 5 को कैसे सेम करोगे, तो बेसिस सेम नहीं होंगे तो ये वाले मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप दोनों तरफ लॉग लोगे, अब यहां पे आप लॉग की बेस 2 ले लो तब भी आगे आंसर आ जाएगा दोनों तरफ, लॉग की बेस अगर आप दोनों तरफ 5 ले लो तब भी आगे आंसर आ जाएगा, और लॉग की बेस अगर आप 10 ले लो तब भी शायद आंसर आ जाएगा दोनों तरफ, तो हम एक काम करते हैं लॉग की बेस 10 लेके कर देते हैं, 10 थोड़ा हमारे लिए करना इजी होता है, तो आप दोनों तरफ जो भी लॉग लोगे बेस सेम होनी चाहिए उसकी, तो दोनों तरफ लॉग 10 ले लेते हैं, लॉग 10 लो 2 की पावर 5x का, इसी तरह यहां पे भी आप लॉग 10 लो 5 की पावर 8 माइनस 5x का। अब रिलेशन लॉग के दरमियान क्या होगा ये असल बात है भाई, असल बात ये है यहां पे कि जो आप बेस ले रहे हो लॉग की वो 10 है ग्रेटर देन 1 है, तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होती है ना तो आपको पता है अगर x ग्रेटर देन y है तो उसका लॉग भी ग्रेटर देन y होगा, अगर x इज लेस देन y तो उसका लॉग जो है वो y के लॉग से कम होगा, तो अब यहां पे x y क्या है, यहां पे x y आपके चेंज हो गए, यहां पे ये चीज x और y है, ये पूरा आपका x है ये पूरा आपका y है, तो आपने जो लॉग लिया उसकी बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है पहली बात, दूसरी बात यहां पे जो x है आपका वो ग्रेटर है y से, तो दैट्स why जो x का log होगा वो ग्रेटर होगा y के log से, ठीक है, तो ये जो जनरलाइज x y लिखा हुआ है ना इसका जरा मतलब समझो कि हम किस किस तरीके से मतलब चेंज कर रहे होते हैं, अब ये पूरी चीज x है ये पूरी चीज y है, तो x इज ग्रेटर देन y तो फिर उसका log जो होगा वो भी ग्रेटर होगा दूसरे के log से, और बिलफर्ज अगर बेस जो है आप 1 से कम ले रहे होते हैं यहां पे तो फिर रिलेशन उल्टा हो जाता, अगर x ग्रेटर देन y है तो इनके log जो है वो लेस होता इसके log से, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप ऐसी चीज का लॉग लो जिसकी पावर है तो पावर पहले आ जाती है, तो ये 5x पहले आ जाएगा और लॉग, अच्छा एक बात बताऊं कि खाली अगर आप लॉग भी लिखो ना तो इसमें इंप्लाइड होता है कि इसकी बेस 10 है, असल नोटेशन ही होनी चाहिए, लेकिन मैंने ओवरऑल बुक्स में देखी हुई है और खासतौर पर इंडियन यूट्यूबर्स को मैंने जब देखा तो उन्होंने लॉग को ln की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, हालांकि जो ln है ना जिसकी बेस e होती है उसके लिए हम ln ही यूज करते हैं, उसके लिए लॉग का यूज नहीं करते, लेकिन आमतौर पर उसको भी लॉग के मानों में यूज किया होता है लोगों ने, तो जो करेक्ट है वो ये है कि भाई ln अगर यूज हो रहा है तो वो ऐसा लॉग है जिसकी बेस e है, और खाली अगर log लॉग लिखा हुआ है तो ये ऐसे लॉग को रेफर कर रहा है जिसकी बेस 10 है, तो इन दो के लिए आपको अलग से बेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें मतलब इंप्लाइड है कि भाई ये मतलब होते हैं इनके, तो अगर मैं खाली लॉग लिख रहा हूं तो समझ जाओ भाई मैंने बेस 10 ली हुई है इसके, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है। अच्छा तो पावर नीचे आ गई और यहां पे क्या होगा, अगेन यहां पे पावर है 8 माइनस 5x नीचे आ जाएगा ये, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि किससे, लॉग ऑफ 5 से। अब आपको बेसिकली x को इकट्ठा करना है ना,
यहाँ पे मौजूद है 5x log 2। अच्छा माइनस 5x को जब मल्टीप्लाई करोगे आप log 5 से, तो माइनस 5x log 5 होगा, इसको इधर ले आना, तो ये पॉजिटिव 5x log 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, जब आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीन बन जाएगा। अब आपका काम जो है वो यहाँ पे x को कॉमन लेना है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, वैसे तो 5 भी कॉमन आ रहा है लेकिन आगे जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 log 2, ये हो जाएगा 5 log 5 इज ग्रेटर देन 8 log 5। अब आपको x निकालना है, आपको पता है जो पूरी चीज जो है ना ये जो है ग्रेटर देन 0 ही होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू निकाल के आप देख सकते हो इसकी, क्योंकि लॉग के आंसर में नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान में रखो लॉग का जो ग्राफ है वो नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर भी होता है, लेकिन वो उस वक्त होता है कि बिल्कुल अगर लॉग की बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 2 बेस है, 3 है, 10 है, और जिस चीज का आप लॉग निकालो वो 1 से छोटा हो, मतलब अगर मैं यहां पे लॉग निकाल रहा था 0.5 का तो आंसर नेगेटिव आ रहा होता। मैं लॉग निकाल लू यहां का 2 पे और यहां पे निकाल लू लॉग 5, तो दैट्स व्हाई यहां पे आपके पास कोई नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव ही होगी, या आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको x की रेंज निकालनी है, तो x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 8 log 5। अच्छा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो ना, सिंप्लीफाई हो सकता है, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाना चाहो तो लग सकती है, जैसे सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि अगर इस 5 को आप ऊपर भी लिख सकते हो इस तरह, इसी तरह 5 को यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि आपने वही बात की है ना कि अगर पावर हो तो नीचे ले आते हो, तो अगर नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी भी है कि जब दो लॉग ऐड हो रहे होते हैं तो आप एक ही लॉग लिखते हो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फॉर एग्जाम्पल दोनों आपस में ऐड हो रहे ना, तो आप क्या करोगे, एक ही लॉग लिखोगे और बाकी जो अंदर दो चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 की पावर 5 से। अच्छा बाय द वे इसमें एक सिंप्लीफिकेशन एक और भी हो सकती है, अगर आप इसका बिल्कुल कैलकुलेटर के बगैर आंसर निकालो ना, तो ये 2 के ऊपर भी पावर 5 है, 5 के ऊपर भी 5 पावर है, तो आप कॉमन लिख सकते हो इस तरीके से कि 2 मल्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, आप इस तरह भी लिख सकते हो दोनों के ऊपर पावर 5 है, तो 2 की 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 और लॉग मौजूद है ये जिसकी बेस 10 है। तो याद रखो जब आप प्रॉपर्टी अब लगाओगे ना कि यहां पे पावर 5 है तो ये 5 पहले आ जाएगा, ऐसी चीज का लॉग मतलब उस वक्त अगर ऐसा लॉग है जिसकी बेस 10 है और आप 10 के ही लॉग ले रहे हो तो आंसर 1 आता है, मतलब यहां पे बेस 10 है और आप 10 के ही लॉग ले रहे हो तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 1 के बराबर, तो 1 को 5 से करो 5 तो जो पूरा आंसर है ना ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ी सी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर भी, और कैलकुलेटर से बाकी आंसर आप निकाल लो। इसी तरह आपको ट्राई करना कि लॉग की बेस 2 ले लेना, 2 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप 2 लोगे ना तो यहां पे होगा ये कि जैसे है ना लॉग 2 और इसकी पावर 2 की पावर 5x, 5x को उठा के आप नीचे लाओ ये पूरी चीज 1 के बराबर हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 5x बचा हुआ होगा। जब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व ही करना है तो फिर ऐसे करो कि लॉग की बेस 2 ले लो, तो यहां पे जस्ट 5x होगा, 5 को डिवाइड कर देना, या अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा इस तरफ x की कोई टर्म होगी x को इधर ले आके फिर कॉमन ले आना, लेकिन 19-20 के फर्क होगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। तो डिफरेंट मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बाकी फिर आपका आंसर आ जाएगा, उससे ग्रेटर आपको भी पुट करना। उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है, अच्छा इसमें भी कुछ इजी होती है कि जिनके बेसिस आपस में सेम है और कुछ में अगर बेस अलग हो जाए लॉग की तो फिर आप लोगों को मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक क्या डिस्कस करते हैं, आपके पास अगर आ जाए कि लॉग जिसकी बेस 3 है और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सीन आ जाए, तो आप इसको करने का तरीका ये होगा कि आपने एक्स निकालना है तो लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग को हटाने का एक ही तरीका है कि आप यहां पे दोनों तरफ ये काम कर दो, आप क्या करो इस लॉग की बेस 3 है ना तो आप दोनों तरफ 3 ले लो, मतलब 3 बेस ले लो और इनको पावर बना दो, इस तरफ भी आपने 3 ले लिया, इस तरफ भी 3 ले लिया आपने, इसको पावर बना दो लॉग 3x, इसी तरह ये हो जाएगा 5, ये अलाउड है। आप दोनों तरफ जो लिखा हुआ था ना इसको पावर बना दो और बेस अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि जो आपने बेस ली है वो ग्रेटर देन 1 बेस है ना, 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज रिलेशन फॉलो हो रहा है कि दोनों के बेसिस सेम है और दरमियान में लेस का रिलेशन है,
इसका मतलब ये चीज छोटी होगी एज कम्पेयर टू दिस, तो ऊपर यही तो लिखा हुआ है कि लॉग इज लेस देन 5। तो कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपने चेंजिंग नहीं की इसके अंदर, डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। फायदा ये होगा कि जैसे ये रूल होता है ना, दो तीन बातें आपको लॉग से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि अगर बेस 10 है और अगर आप 10 के लॉग निकाल रहे हो तो ये 1 होता है। इसी तरह के फॉर एग्जाम्पल अगर बेस 10 है और फॉर एग्जाम्पल आप निकाल रहे हो 50 का लॉग, और ये जो पूरी चीज है ये पावर हो 10 की, मतलब 10 की पावर में लिखा गया है, तो याद रखना 10 की पावर में अगर लॉग 10 आ जाएगा तो ये आपस में कैंसिल कर देते हैं दूसरे को, तो आंसर बस 50 हो जाएगा। तो ये काम वही, यहां भी वही काम करना है कि यहां पे लॉग की बेस 3 है और 3 की पावर में ही लॉग आ रहा है, तो ये 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, जस्ट क्या बचेगा x यहां पे होगा, तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 5। और ये तो आप लोगों को पता है क्या होगा, 3 की पावर 5 243, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप x 243 से कुछ भी कम कम पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक खास ख्याल रखना है इसके अंदर, लॉग के अंदर आप जैसे एक्सपोनेंशियल था ना, एक्सपोनेंशियल में तो एक्स की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते थे, उसकी जो डोमेन होती है वो सब रियल नंबर होती है, लेकिन लॉग के अंदर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हो, आप जीरो भी नहीं पुट कर सकते एक्स के अंदर। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो लॉग के बाद लिखा हुआ है ना, आपको इसका भी ख्याल रखना है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स इज लेस देन 243 में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगे ना, लेकिन नेगेटिव आप यहां पे पुट नहीं कर सकते। तो आपको इस रिस्ट्रिक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि यहां पे जो जिस चीज का लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो एक्स इज लेस देन 243 बट ग्रेटर देन जीरो, तो कंबाइन आप इसको किस तरह लिखोगे कि जीरो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता 243, ये आप लिखोगे, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आप देखो, लिखा है कि लॉग 2, मतलब अब बेस 2 है यहां पे, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन लॉग, बेस 2 ही है 3x। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस 2 से ग्रेटर हो, तो अगर लॉग x ग्रेटर है लॉग y के, तो फिर x भी ग्रेटर होगा y के, मतलब ये इसमें इंप्लाइड है ना कि अगर a ग्रेटर देन 1 है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप x का लॉग ले रहे हो और ये ग्रेटर है y के लॉग से, तो उसका मतलब x ग्रेटर है y के, तो वही चीज है यहां पे, अगर आप ऑब्जर्व करो a तो ग्रेटर देन 1 है और ये वाला लॉग ग्रेटर है इससे, इसका मतलब ये जो x है और ये जो y है, x और y क्या था लॉग के बाद जो लिखा हुआ होता है ना, उसको हम x और y लेते हैं, तो ये जो x है ये ग्रेटर होगा इस y के, तो आप क्या लिख सकते हो नीचे कि 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3x। अब आपने सॉल्व करना है यहां पे 3 है, इसको उधर ले जाओ, सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है x इज लेस देन 3, लेकिन ये आपका आखिरी सॉल्यूशन नहीं है, आपको अगेन रिस्ट्रिक्शन का ख्याल रखना है। यहां पे क्या ख्याल रखना है कि ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये कब होगी, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 3, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 अपॉन 2, एक ये आपके पास आ गया। इसी तरह 3x जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करो ना, मतलब वैसे तो इसका आंसर ही आ गया, मिक्स करके आप लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि कॉमन किस तरह आप निकालोगे, वही नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले माइनस 3 अपॉन 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 आ गया, तो इसके मतलब इसके मुताबिक 3 से कम कम, मतलब ये वाला पूरा रीजन, इसके मुताबिक माइनस 3 अपॉन 2 से ग्रेटर, इन दोनों के दरमियान अभी तक कॉमन रीजन ये है, लेकिन तीसरे का भी कॉमन देखना है। तीसरा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला, तो इसका मतलब ये जो रीजन है ना ये तीनों का कॉमन है, तो एक्चुअल सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 से लेके 3, 0 से लेके 3 तक आप कुछ भी दरमियान में पुट करोगे जिसमें 0 और 3 शामिल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी यहां पे मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे 1 पुट कर लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5, यहां पे 1 पुट करो 3, तो डेफिनेटली लॉग 5 इज ग्रेटर देन लॉग 3, मेक सेंस कर रही है बात, तो ये इसको जरा आप देख लेना। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, उसमें बेस हम लेते हैं, उसमें हम बेस लेस देन 1 लेते हैं। फॉर एग्जांपल सवाल है कि लॉग 0.5 इज ग्रेटर देन, नहीं, लॉग 0.5 3x इज ग्रेटर देन लॉग 0.5 2x प्लस 3। आई गेस वही सवाल है, बस बेस चेंज कर दिए ना। तो अब अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, या हम आंसर अपना सॉल्यूशन चेंज कर दे थोड़ा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा आपको। अब अगर बेस देखो यहां पे लेस देन 0, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बेस आपकी 1 से कम और 0 के दरमियान दरमियान अगर आपकी बेस है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लॉग लिखा हुआ है, लॉग x इज लेस देन लॉग y,
तो असूली तौर पे तो हम कहते हैं कि x भी लेस देन y होना चाहिए, लेकिन बेस यहां पे 1 से कम है तो x जो है वो ग्रेटर होगा y के। और अगर आपको बोला जाए कि log x जो है वो ग्रेटर है log y के, तो नॉर्मली तो x ग्रेटर होना चाहिए y के, लेकिन बेस चूंकि कम है रिलेशन उल्टा हो जाएगा, x इज लेस देन y होना चाहिए। तो सेम वही चीज लिखी हुई है कि ये वाला log जो है ग्रेटर है इसके, बेस 1 से कम है तो फिर रिलेशन उल्टा करना पड़ेगा। ये जो x है और ये जो y है, अब इनके दरमियान रिलेशन उल्टा होगा, मतलब x इज लेस देन y, मतलब 3x इज लेस देन 2x प्लस 3। तो सॉल्व करो, x इज लेस देन 3 आ रहा है यहां पे, मतलब सेम ही सिचुएशन बन रही है दोनों केसेस में, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। बाकी रिस्ट्रिक्शन तो वही रहेगी इसके अंदर भी कि 3x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसके अंदर वही है 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सॉल्व करना, एंड पे वही चीज आपके पास आ रही होगी। बस एक काम करते हैं, हम इक्वालिटी डाल देते हैं इसके अंदर। अब क्या होगा, जब इक्वालिटी आ जाए तो आपने कॉर्नर पॉइंट भी देखने, फॉर एग्जाम्पल 0 को आप देखो, जब मैं यहां पे, अच्छा 0 तो मैं पुट नहीं कर सकते, ध्यान में रखना 0 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां पे 0 पुट कर दिया, क्योंकि मुझे इस इनइक्वालिटी ने बोला है कि x 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए, 0 से कम नहीं हो सकता। जबकि इसको जब आप इक्वालिटी आ जाएगी ना, तो ये सिचुएशन बनेगी, ये मुझे कह रहा है कि x लेस देन या 3 के बराबर भी हो सकता है, जबकि ये मुझे कहेगा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक चीज तो तय है कि 0 शामिल नहीं आप कर सकते, क्योंकि 0 अगर आप पुट करोगे तो ये log 0 हो जाएगा, और log 0 अनडिफाइन हो जाता है, वो आप मालूम नहीं कर सकते। अब सवाल है कि 3 शामिल है क्या, 3 देख लेते हैं, 3 को रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रहा, देख लेते हैं। जब मैं यहां पे 3 पुट करूंगा, यहां पे 9 आएगा, यहां पे 3 पुट करूंगा, 3 2 6 6 प्लस 9, तो जब इक्वालिटी आ गई है तो दोनों log, दोनों तरफ log 9 log 9 है, तो आपस में इक्वल होंगे वो, और इक्वालिटी है इसका मतलब मैं 3 अलाउड है यहां पे। तो बिलफर्ज अगर यहां पे इक्वालिटी आती तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाता, 0 अगेन आप शामिल नहीं कर सकते वरना वो अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा जी, सेकंड लास्ट एग्जांपल है बच्चों, सवाल है कि log 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन log 4 x स्क्वायर। ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया, इसके अंदर मुझे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट log का समझाना है, वो ये है कि जब log में देखो बेसिस सेम नहीं है, जब बेसिस सेम नहीं है तो आप ये वाला काम नहीं कर सकते कि जो उनके आगे लिखा हुआ है उसको ग्रेटर या लेस रखो, आपको बेसिस सेम करनी है। अब यहां पे बेसिस लॉग में हम कैसे सेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉग 2, ये जो बेस 2 है ना, इसको मैंने 4 बनाना है, या इसको आप 2 बना दो, दोनों काम कर सकते हो ना। मैं काम करता हूं 2 को ना 4 में बना देता हूं, मतलब सेम करना तो मैं 2 को 4 में कन्वर्ट करता हूं। अब इसकी जनरलाइज बात मैं कर रहा हूं, रीजन मैं बता दूंगा कि लॉग के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 4 करना चाह रहे हो ना, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर कर दो और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो अगर 4 होगी तो ये फंक्शन ये बन जाएगा। पहले था log बेस 2 और x प्लस 1 का आपने log लेना था, अगर बेस के ऊपर स्क्वायर कर रहे हो तो जिस चीज का log लेना उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो उसके ऊपर भी 4 स्क्वायर आ गया। अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आपके पास लिखा हुआ था log 2 x प्लस 1, आपने इसको कन्वर्ट करना था बेस 4 के अंदर। एक फॉर्मूला होता है log के अंदर जिसको चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला कहते हैं हम, वो अप्लाई करते हैं, यहां पे 4 आ जाएगा x प्लस 1। अब ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, अब ये बातें तो मैं क्लियर नहीं करूंगा, यहां पे ये सिचुएशन बन जाएगी log 4 2। अच्छा, ये log का मतलब क्या होता है, log अगर आप बेसिक देखो ना तो इसका मतलब क्या होता है, log आपसे कहता क्या, आंसर क्या मांगता है आपसे, वो कहता है कि यार मैं ऐसी 4 की कौन सी पावर करूं कि आंसर 2 आ जाए। ये log का बेसिकली मतलब होता है कि यार मैं 4 की ऐसी कौन सी पावर बनाऊं कि आंसर 2 के बराबर आ जाए। तो आपको पता है 4 की पावर जब 1/2 होगी, मतलब जब 4 का रूट लेते हो आप, तब 2 आता है ना, तो इसका मतलब इस पूरी चीज का आंसर 1/2 के बराबर होगा। तो ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगेन वही प्रॉपर्टी कि अगर नीचे आ जाए तो आप इसको पावर में भी लिख सकते हो, बात ये की है। तो log 2 x प्लस 1 बराबर हो जाएगा log 4 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब जब बेसिस सेम हो जाए तो आपका मसला हल हो गया, क्योंकि बेसिस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो अगर ये वाला लॉग इससे बड़ा है इसका मतलब ये वाली चीज जो है ये ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दिस। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 1, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन। आपको रिस्ट्रिक्शन है तो देख लेते हैं भाई, ये वाली चीज जो है ना ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ये ध्यान में रख लो, हाँ 0 हो सकती है, तो जरा उसको हम देख लेते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब आप इसको सॉल्व करो, आप रूट लो, मैं यहां पे रूट लेता हूं, मैं यहां पे रूट लेता हूं, जब भी ये वाला सीन मैंने आपको एब्सोल्यूट के अंदर बताया था तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर होता था मॉड x प्लस 1,
और ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो आपको ऐसी एक्स वैल्यू निकालनी है जिसपे ये आंसर जो है ग्रेटर देन जीरो आए, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो। फिर हो जाएगा माइनस जीरो होना चाहिए, लेकिन एक ही बात है, माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो एक का मतलब एक है माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए, एक का मतलब माइनस वन से कम होना चाहिए। यह आपको बताना चाह रहा है कि भाई सब रियल इसके आंसर है सिवाय माइनस वन के, माइनस वन आप पुट नहीं कर सकते, ये आपको बताना चाह रहा है। क्योंकि अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखो ना, आप यहाँ पे एक्स के अंदर कुछ भी पुट करते हो आंसर पॉजिटिव ही आता है ना भाई, एब्सोल्यूट के अंदर आंसर पॉजिटिव ही होता है। आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लो आंसर पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, ये दूसरा केस होता है। तो जीरो नहीं हमने लाना, ग्रेटर देन जीरो रखना है। तो इसका मतलब माइनस वन में पुट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं माइनस वन पुट करूंगा ना तो ये पूरी चीज जीरो के बराबर हो जाएगी और जीरो मुझे लॉग के अंदर नहीं लाना। तो ये बताना है चाह रहे कि x ग्रेटर देन माइनस वन या लेस देन माइनस वन, बट माइनस वन इंक्लूड नहीं है क्योंकि माइनस वन इसको जीरो कर देगा जो हम नहीं चाह रहे। तो इसका मतलब माइनस वन आप इंक्लूड नहीं कर सकते, इसने आपको रिस्ट्रिक्शन दी है। बाकी कोई भी रियल पुट कर दो लेकिन माइनस वन पुट नहीं कर सकते। अब जरा इसकी बात करते हैं अगेन, ये तो बड़ा इजी है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में। या आपने ये तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, आप प्रॉपर मेथड अगर यूज करके बताओगे ना तो सॉल्व कर लेना, लेकिन हम डायरेक्ट बात बोल सकते हैं कि यार ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी। आप एक्स कुछ भी रियल पुट कर दो ये चीज नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन एक्स आप जीरो नहीं पुट कर सकते, जीरो मसला करेगा। मैं जीरो पुट करूंगा तो फिर ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, बाकी मैं कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी नेगेटिव पुट करूं ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसको मसला नहीं होगा। लेकिन जीरो पुट करूंगा तो यहां पे जीरो आ जाएगा। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई मैं जीरो पुट नहीं कर सकता। तो अब टुगेदर अगर आप देखो, इसका मतलब था कि अगर नंबर लाइन आप बनाओ तो फॉर एग्जाम्पल ये माइनस वन पॉइंट टू है, तो माइनस वन पॉइंट टू से ग्रेटर ये पूरा रीजन था, लेकिन माइनस वन पॉइंट टू के बाद जीरो आता है, माइनस वन पॉइंट टू से पहले माइनस वन आता है, तो माइनस वन तो इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन माइनस वन पॉइंट टू से ग्रेटर एक वैल्यू है जो जीरो है, जो कि आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, माइनस वन पॉइंट टू से लेके फिर जीरो यूनियन जीरो से लेके फिर इनफाइनाइट, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। तो आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये जो है ये यहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आखिरी एग्जांपल है, और वो एग्जांपल ये है कि अगर बेसिस जो है वो आपस में इक्वल ना हो, और आप इक्वल बना भी नहीं सकते, जैसे इसमें तो चलो आपने बना लिया था ना, लेकिन अगर आप इक्वल बना नहीं सकते, वही एक्सपोनेंशियल वाला सीन है यहां पे, तो फिर आप क्या करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हो लॉग सेवन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन लॉग फाइव एक्स प्लस फाइव, ये लिखा हुआ, तो अब आप क्या करोगे, अब इक्वल आप नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पे क्या करोगे, वही चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला अप्लाई कर देना यहां पे, और बेस 10 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इजी हो जाएगा। तो लॉग x प्लस फाइव डिवाइडेड बाय लॉग 7 हो जाएगा ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले से, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस फाइव डिवाइडेड बाय लॉग 5। उसके बाद आप इसको इधर ले आओ, जब इधर लेके आओगे तो लॉग x प्लस फाइव कॉमन आएगा, यहां से आ जाएगा 1.18, और जब ये इधर आया था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1.-43 इज ग्रेटर देन जीरो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, ठीक है, मतलब यहां पे कुछ नेगेटिव आ रहा होगा, उस नेगेटिव को हम यहां जाके डिवाइड कर देंगे, जीरो से तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव से डिवाइड किया तो रिलेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब कुछ नेगेटिव आंसर आ रहा होगा, उस नेगेटिव नंबर को आप जीरो से मतलब दोनों तरफ उस नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं होगा, हाँ नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, आप लेस देन जीरो हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड किया। अब आपके पास ये सिंपल सवाल बन गया, इसको आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरीके से आप यहां पे करोगे, ये बेसिकली लॉग 10 है, तो आप एक काम करो, लॉग हटाना है ना, तो वही काम करो जो पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इसको 10 की पावर बना दो, तो हो जाएगा 10 की पावर लॉग 10 एक्स प्लस फाइव, ये हो जाएगा 10 की पावर, इधर क्या पावर है, मतलब इधर जीरो था तो ये हो जाएगा 10 की पावर जीरो, तो बच्चों वन होता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन, जीरो की पावर जीरो तो वो इनडिटरमिनेट हो जाता है, वैसे किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है, और यहां पे 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव इज लेस देन वन, सॉल्व करोगे फाइव को लेके जाना तो ये हो जाएगा x इज लेस देन माइनस फोर, तो x जो है वो माइनस फोर से कम है, लेकिन x प्लस फाइव को भी तो आपने देखना है ना, जो ऊपर आ रहा है वो जीरो या नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वही बात लॉग के अंदर आप पॉजिटिव ही पुट करोगे, नेगेटिव नहीं हो सकता कुछ। तो एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो लॉग के अंदर चीज आ रही ना एक्स प्लस फाइव, ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब एक्स जो है वो माइनस फाइव से ग्रेटर होना चाहिए।
तो x माइनस फाइव से ग्रेटर लेकिन माइनस फोर से कम, इसका मतलब ये, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है कि x माइनस फाइव से ग्रेटर होगा जबकि माइनस फोर से कम होगा। इसके दरमियान आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। और एक और केस हो सकता है कि अगर ये सेम ना हो, यहां तो सेम थे तो आपने कॉमन ले लिया था ना, तो अगर सेम ना हो तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कितने केसेस में तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहे होते, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक लेवल पे आपने सीख लिया तो आपके आंसर आ गए। बच्चों इनइक्वालिटीज का पोर्शन डिटेल में कंप्लीट हो गया है, ये सब चीजें मैंने कंबाइन कर दी है, किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं ये सब, तो ये कंबाइन फॉर्म में आप लोगों को मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, रेडिकल, रैशनल, एब्सोल्यूट, ये मिनिमम सात तो करवाई है, साथ मैंने एक्स्ट्रा डिग्री की भी करवाई थी आप लोगों को बाल, तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।